हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन गाइस। आज के ब्लॉग में हम आपको फ्रेश हेल्दी एंड टेस्टी पानी पूरी के पानी की रेसिपी बनाना बताएंगे। पानी पूरी हमारी सबकी फेवरेट होती है, तो क्यों ना हम इसे घर पे बनाएं। और मेरी रेसिपी अकॉर्डिंग अगर आप घर में इसको बनाते हैं तो आपकी पानी पूरी का पानी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो गाइस यकीन मानिए और अपने घर पर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। गाइस इसके लिए सबसे पहले अपनी किचन गार्डन से फ्रेश पुदीना लीव ली हैं, इसके साथ ही एक फ्रेश धनिया लीव्स का मैंने पूरा बंच लिया है। गाइस आपके पास अगर हरा पुदीना ना हो तो आप ड्राइड पुदीना लीव भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक बड़ी हरी मिर्च, 3 नींबू और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने चटनी वाले जार में ले लिया है। और साथ में यहीं पे मैंने एक नींबू का रस भी यहाँ ऐड कर दिया है। गाइस नींबू का रस यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है, तभी पानी पूरी के पानी का ग्रीन कलर आता है। और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून सिंपल नमक और 1 टीस्पून मैंने काला नमक भी यहाँ ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके अच्छा पीस बना लिया है और छलनी से छान लिया है। अब यहाँ पे बचे हुए 2 नींबू का जूस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसमें। यहाँ अब पानी के अकॉर्डिंग फिर से सफ़ेद नमक, काला नमक भी ऐड कर दिया है। जलजीरा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसके साथ मैंने भुना जीरा यहाँ ऐड किया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में लाल मिर्च मैंने ऐड की है। और यहाँ पे आप गाइस चेक करते रहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी चीज़ अगर आपको कम लगे तो आप उसमें ऐड कर दें। और लास्ट में मैंने यहाँ पे बूंदी ऐड कर दी है जो इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देती है। तो देखा गाइस कितनी सिंपल रेसिपी है, आप भी घर पे बना सकते हैं। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।